party ka pyar lekar aa rahe hai Kapil and Shweta as neighbors. Please welcome them. Number kahan gaya aaj mere ko college ke bathroom mein mila tha. Acha college ke bathroom ka ek bada fayda hai. Andar ja ke performance do na do number mil hi jate kisi na kisi ke. Mil gaya. Hello Tina? Yeah, hello Tinku bol raha hu. Hello? Tumhara number kahan se mila? छोड़ ना उसको. अच्छा बता कल फ्री हो? नहीं तो कितने पैसे? खुद ही तो बोल रही फ्री नहीं तो फिर मैं व्हाट रबिश. अजनबी लोगों से बात नहीं करती. एक बात सुन, जब तू पैदा हुई थी अपनी माँ को जानती थी? नहीं ना. तो ए फोन काट. तो काट दिया तो मेरा, मेरे को भी तेरी आवाज को इतनी पसंद नहीं है. इतनी गंदी आवाज थी, ऐसा लग रहा था मेरे कानपुर वाले चाचा के गल में कुल्फी फंस गई है. हट. मैं कहता हूँ भाई लड़कियों के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए. और स्पेशली मुंबई की लड़कियां तो इतनी तेज होती. तू क्या मुंह खोल के हंस रही है? मुंबई की लड़कियां इतनी तेज होती ना, सबसे शरीफ और मेहनती लड़कियां बैंकॉक की. मतलब इतनी मेहनती होती, इतनी प्यार से मसाज करती. कभी मसाज करा के देखो आप सोहेल भाई. कसम से कहता हूँ ये जो बगल में भोला मसाज वाला बैठे इसको भूल जा. ये बात नहीं, मैंने सिर्फ गरीब लड़कियां, मैंने गरीब लड़की एक फंसाई. ओ माय गॉड, गरीब लड़की फंसानी नहीं चाहिए. मैंने फंसाई, मैंने वैलेंटाइन डे पे कार्ड दिया उसको. कमीनी सुबह आके थी, जानू तुमने कार्ड दिया बड़ा अच्छा था, मैं तो पूरा खा ही नहीं पाई, बाकी का मम्मी ने खाया है. और ये नहीं कि मैंने सिर्फ गरीब लड़कियां फंसाई, मैंने अमीर लड़कियां बड़ी फंसाई. एक मैंने इतनी अमीर लड़की फंसा ली सोहेल भाई, आप यकीन नहीं करोगे. चार होंठ थे उसके, दो से पप्पी लेती थी, दो से शरबत पी जाती थी एक्स्ट्रा. और तो और एक हाथ की 9 उंगलियां, एक की 10 थी. एक ही हाथ से पियानो बजाती थी, फिर भी एक उंगली बच जाती थी कान में मारने के लिए. पर एक जैसे हम जैसे गरीब लोग. मेरा दादा ना रोटियां लेने के लिए हाथ आगे करता था, मेरे बाप ने दोनों हाथ कटवा दिए. लेकिन अब परमात्मा की इतनी कृपा ना, हमारे घर की कंडीशन ठीक हो गई. मेरी छोटी बहन 2-2 लाख के सूट पहनती है. ये जो काम देनु गारमेंट्स नहीं है, उसमें डमी बन के खड़ी रहती है. शाम को 200 रुपया मिलता है उसको. ए पानी क्यों गिरा रही है? ये तो पानी लगता ही नहीं मेरे को सीधा ऐसे. ए मोहल्ले में नई लड़की. मांग में सिंदूर भी नहीं है, लगता तलाक हो गया. पर हो सकता है कवारी हो. कितना शर्मा रही है, ये होती लड़कियां. एक हमारी मैडम है, गंदे पंच में भी इतना गला खोल के हंसती है ना. ए, इतना शर्मा क्यों रही, तेरे को पत्थरी तो नहीं? नाम क्या है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम मुझे मूछो वाला बाप बना दोगी? अभी तो देखो कितना शर्मा रही थी. ऐसी लड़कियां होती, पहले दिन इतना शर्माती हैं जब मिलने आती हैं, और दूसरे दिन दूसरी मुलाकात पे स्कूटी लेके मेडिकल स्टोर के आसपास चक्कर लगा रही होती है. ए क्या व्हाट? अच्छा तेरे पापा घर पे है? झूठ बोलती साली, 2 लोगों के एक्ट में तीसरे का खर्चा तेरा बाप देगा? कहेगा बाप तेरा. अच्छा आवाज ना जाए घर तक, चिट्ठी लिख के भेजू? ओके चिट्ठी लिखता हूं. तुम मुझे कब से देख रही हो? मुझे पसंद करती हो कि तुम्हारा प्रोफेशन है? ओहो गली में फेंक दी चिट्ठी. एक ना इतना फासला है ना दोनों घरों में, बालकनियां नजदीक कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी. क्या बोल रही है? फालतू बातें मत करो, ये बताओ कितना पढ़े लिखे हो? अगर एमए इंग्लिश की है तो तभी शादी करूंगी. अच्छा एमए इंग्लिश, साली खुद चिट्ठियां हिंदी में लिख रही, वो भी इतनी गलतियां. और लड़का तेरे को, एक तो सी फेस घर का, ये बड़ा फायदा है. लिख रही है कि लिखना तो आई लव यू चाहती थी पर आई के स्पेलिंग नहीं आते. डफर, आई के स्पेलिंग नहीं पता, सिंपल है ई वाई ई. ए तेरे को लड़का एमए इंग्लिश चाहिए? साली कच्चे तो देसी सुखा रही है वो भी. इतने बड़े बड़े कच्चे, पूरी फैमिली एक ही कच्चा पहनती हो क्या? ये कच्चा क्या ग्रुप कच्चा है ये? और सुन मेरी बात,
मेरे से शादी कर ले, बड़ा टैलेंटेड हूँ मैं। चार सीजन तक रोहित शेट्टी मेरी तारीफ करता रहा, लिया फिर भी कृष्णा को। देखिए सर, प्रॉब्लम पता क्या है सर, हर बात में पंच नहीं होता। कुछ चीजें अपने फ्यूचर के लिए भी बोलनी पड़ती हैं। जैसे तारीफ तो आप भी बड़ी करते हैं मेरी, लेकिन कल को पता चले आपने ठाकुर में ले लिया ठाकुर को अपनी फिल्म में, और आपकी जगह कोई और जज आए अगले सीजन में, ठाकुर आके बोल रहा हूँ सर जी आपको तो पता है मैं सोहेल खान की फिल्म कर रहा हूँ, अर्चना भी कर रही है, जयपुर में सेट लगा और मैंने बड़ा गंदा काम किया है। ये चीजें नहीं चाहिए अपने को। ए गुंगी, बोलती नहीं है एक तो लड़कियां, इतनी भी बीवी होनी चाहिए बोले ना, लेकिन इतना भी कम क्यों बोल रही है ये? क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो? मैं तो तुम्हें उस दिन से प्यार करती हूँ जिस दिन तुम लंगर में से रायता अपनी जेब में भर रहे थे। ए, मैं तो रायता भर रहा था, तू क्यों रायता फैला रही है? और मेरी एक बात ध्यान से सुन, अगर तूने एक भी और चिट्ठी फेंकी ना तो तेरा ये जो सीरियल आ रहा ना, क्या बच्चों वाला, माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं परवरिश, उसमें तेरी उसी बेटी को जाके दिखाऊंगा, ये तेरी माँ देख क्या करतूत कर रही है, चिट्ठियां फेंक फेंक के आशिकी करती है। और सुन मेरी बात, सुन मुद्दे की बात पे आ, क्या बातें कर रही तू? ओफो, फिर गली में फेंक दी चिट्ठी इसने। वो गली भी है, समुद्र भी है, सब कुछ। इधर कर अपना मकान इतना टाइट करके रखा। क्या लिखा? कहती प्लीज मुझसे शादी कर लो, मेरा इस घर में दम घुटता है। तो मेरे घर में कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लगा है? मेरे बाप को आके देख, उसको चैन ही नहीं मिलता, इतना बेचैन है ना। उधर पता चला बड़ी भाभी प्रेग्नेंट है, माँ कहती मेरे को भी उल्टी आनी शुरू हो गई है। तेरे को मैं कहती मुझे कुछ नहीं पता, जिस हाल में रखोगे रह लूं। अरे हाल तो हमारे घर में है ही नहीं, हमारे घर में तो किचन भी नहीं है, हमने कमरे में सिलेंडर रखा उसके ऊपर लिखा हुआ किचन। इतने गरीब आदमी मैं क्या बताऊं आपको, लॉटरी में फ्रिज निकला, फ्रिज रखने की जगह ही नहीं थी, हमने उसको ऑफ करके उसकी अलमारी बना ली, क्योंकि अलमारी रखने के लिए बहुत जगह थी हमारे पास। बोलती नहीं है तू, क्या फिर गली में फेंक दी तेरी माँ की, तेरा मकान दर छोड़ा। क्या लिखा है? मुझे कुछ नहीं पता, बस इस दलदल से निकाल दो। जानू, जानू, यू लव मी सो मच। ठीक है, हम आज शाम भाग के शादी कर लेंगे। तू शादी की तैयारी कर, तू बस जा भाग जा, आज लेके भागेंगे, मेरे को आज यकीन नहीं हो रहा। वो फो गली से निकल रही, उधर से निकल मर जाके, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है आज। ओह माय गॉड, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बताऊं सोहेल भाई, मोहल्ले में लड़की पटाना सबसे डिफिकल्ट काम है, झूठ नहीं बोल सकते ना आपकी, मेरे पापा के पास मर्सिडीज है, सबको पता है घंटी वाला साइकिल है, उसके लिए भी दोनों भाई लड़ रहे हैं कि आगे वाला टायर मैं रखूंगा पीछे वाला तू। अभी साले आगे वाला टायर लेके गया तू, उससे चलाएगा? पागल लोग हैं। बस आज मेरी शादी है, आई एम वेरी एक्साइटेड, ओ माय गॉड मेरी दुल्हन आ गई। वेलकम जानू, सुनना मेरी बात, आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। देख मैं नहीं चाहता मैं तेरे से कुछ छुपाऊं, सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं, और बात यह है कि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, उसके बाद चाचा आ जाएंगे, ये कमरा उनका है। ए इतना चिल्ला क्यों रही है, आराम से बोल, क्या हुआ है तेरे को? एक बार बता, तूने आज तक बताया ही नहीं, तुम लोग घर में कितने भाई बहन हो? चल ठहर के बता दे, लेकिन बता देना कितने। अच्छा 5 है, 5 है, ओके ओके। तो कमरे कितने हैं घर पे? बाथरूम मिला के नहीं, सिर्फ कमरे। अच्छा 6 कमरे हैं, तो फिर तुम्हारे उधर ही चलते, इधर तो रिश्तेदार बड़े आए हुए हैं। इनकी बात सुन, तू बोलती क्यों नहीं है, अजीब अजीब इशारे करती रहती है, अब तो शादी होगी, अब तो बोल, 3 महीने हो गए जब से लेके चिट्ठियां लिख के भेज रही मेरे को। हाँ क्या तू गूंगी है? गूंगी बीवी ये तो हंस हंस के मर जाएगी। ओए सुन पेड़ा गर्क, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तू गूंगी है? अच्छा मैंने मौका नहीं दिया, तो जो मैंने तुझे मौके दिए उसमें कौन सा मेरा भला कर दिया तूने? पेड़ा गर्क, ऐसी शादी पर अब खर्चा किए, एक बार तो सुहागरात मनाऊंगा ही मैं। ए सुन, अगर तेरे से शादी होनी थी, इससे अच्छा तो मैं अंधा ही अच्छा था। और आप लोग क्या देख रहे हो, किस उम्मीद में बैठे हुए सुहागरात देख के जाओगे? कॉमेडी देखने आए हो, कॉमेडी देख के निकलो, नंबर दो, हम अंदर जाके बनाएंगे। अच्छा अर्चना जी,
श्वेता और कपिल की इस शादी के लिए आपका आशीर्वाद है या नहीं? सही बोला कपिल तुमने, किस चीज का इंतजार है? कॉमेडी देखने आए थे, कॉमेडी देखो, मजे करो और निकल लो। आपका एक्ट ऐसा ही होता है श्वेता, आपने वो शर्माने वाला और वो सब जो अंदाज था, टिपिकल हिंदी फिल्म हीरोइन के अंदाज में किया आपने। योर एक्ट वॉज वेरी फनी, वेरी एंटरटेनिंग, वन मैन शो था लेकिन उसे चार चांद लगाने वाली आप श्वेता थी। इट वॉज अ वेरी वेरी वेल राउंडेड, वेरी यूनिक एक्ट। थैंक यू मैम। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस एक्ट के बारे में, मैं सिर्फ ये कहूँगा जितना श्वेता इस एक्ट को इन्जॉय कर रही थी उतना ही हम इस एक्ट को इन्जॉय कर रहे थे, और मैं श्वेता के एक्सप्रेशन से मैं कपिल को आज उनके वेल डिजर्व पॉइंट्स दूंगा। थैंक यू। तो क्या है ये पॉइंट, जरा बता दीजिए हमें प्लीज सुहेल। थैंक यू सुहेल भाई। थैंक यू अर्चना, 10 पॉइंट्स थी पर फिर से आपको परफेक्ट स्कोर मिल गया। जोरदार तालियां कपिल और श्वेता के लिए। प्लीज वेलकम सुगंधा एज डेड गर्ल एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स। एक ही बोलेगा। प्रॉब्लम ही है ना, बोलो तो मजा नहीं आता, ना बोलो तो मजा नहीं आता, और ऊपर से मैं बोर्ड दिखा भी किनको रहा। हिंदी में बोर्ड दिखा दो इनको समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में दिखा दो इनको समझ में नहीं आता। अच्छा अर्चना जी, आप भी सोच रही होंगी ना कि हमारी क्रिएटिविटी कितनी क्रिएटिव है, कहाँ से लाती है ना इतने अच्छे अच्छे आइडिया ढूंढ के। म्यूट पार्टनर परमीर जी ने दिया है, कहते शादी के बाद से मुझे म्यूट पार्टनर राउंड बना के रखा हुआ है। सो स्वीट ना, वो कुछ भी कहें सो स्वीट, हम कुछ भी कहें। खैर मैंने तो ये धंधा ही चेंज कर लिया है कि नहीं कॉमेडी होती तो क्यों करनी है। अच्छा काम किया खबरें फैलाने का, मैंने अखबार बेचने का धंधा शुरू किया। ये देखिए बस इसको रोल करो, अर्चना जी मुंह मत खोलो, पेपर रोल है एग रोल नहीं है। अर्चना का कपिल को धोखा, आज की ताजा खबर, अर्चना का कृष्णा के साथ कुछ चल रहा है। हंसो मत, सच में चल रहा है, जयपुर में सेट लगा है, रोहित शेट्टी की फिल्म है, दोनों वहां में काम कर रहे हैं, जिसमें अर्चना ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा जी मैंने आपकी तारीफ की, अब दो नंबर एक्स्ट्रा बनते हैं। हाँ बिल्कुल। और वैसे ना जितनी हमने फिल्म की प्रमोशन कर दी है ना, अब शेट्टी साहब को बोलना इस लेवल की बना लेना। नहीं नहीं वैसे वो बनाते हैं इस लेवल की, लेकिन आप दोनों उसमें काम कर रहे हैं इसलिए मुझे डाउट है। मारूंगी आप पे नहीं कृष्णा पे। हाँ शुरू करता हूँ आज की ताजा। ये क्या है, ये कॉमेडी सर्कस वाले पागल हो गए, ये कर्नाटका की अखबार मुझे दे दी। साले अखबार मद्रासी, स्क्रिप्ट फारसी, जज अंग्रेजी, मैं पंजाबी। कौन कहता है कि हम सब एक नहीं हैं, हम सब एक हैं। अर्चना जी आज देखिए कि एक कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी जीरो आएगी, और एक और जीरो जब मिलते हैं ना तो कुछ अच्छा बनता है। तो आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। चलो अच्छा है कपड़े झाड़ने पड़े, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो ये क्यों गिर गई सर जी, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं जिसको हाथ लगाता हूँ वो गिर जाती है। परसों मैंने डॉलर को हाथ लगाया, 5 रुपए नीचे गिरा वो। हाँ मर गई, नहीं अगर पुलिस आ गई तो। एक तो ठाकुर कुछ बोले वैसा गंदा हो ना, भाग भाग ठाकुर भाग। ओह माय गॉड, एक मिनट पहचाना इंस्पेक्टर पप्पू बशूर बड़ा ना। एक मिनट फोन आ गया, हेलो क्या तुम्हें तुम्हारे पति ने घर से निकाल दिया? डोंट वरी मैं तुझे अपने घर में रख लूंगा। क्या हाँ हेलो फोन काट दिया। देख लो पब्लिक की मदद करो, फिर वो कहती है कि मदद नहीं करते। अब मुझे चलो, ये क्या हो गया? पप्पू भाग ले। नहीं नहीं पप्पू तू पुलिस वाला है, तुझे पुलिस का फर्ज निभाना होगा। यस हेलो मैडम कुछ बोलो, इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, इतना एटीट्यूड दिखाते हो बाद में कहते हो कि आदमी कुछ करता नहीं है। उठो पैसे आपने भी लिए हुए हैं।
इधर बैठो। हाँ, किसी ने तो कत्ल अपनी आंखों से होते हुए देखा है। इंस्पेक्टर पप्पू पता लगाएगा। ओ जजेस, तो आपने क्या देखा? ओ कपिल का एक्ट। सर बाकी भी यहाँ एक्टिंग करने आते हैं, उनके अलावा बाकी वो देखोगे अच्छा लगेगा आपको। तुमने क्या देखा? आपने ये जो आगे सीट ली है ना, मुझे पता क्या देखने के लिए ली है। सच्ची बात बताऊं, इस सीट पर बैठ के जो नजारा देखने का है ना, कहीं नहीं है। सोया जी यहां बैठा करो, जो 2 लाख आप लेते हो ना, अगर हाथ से 1 लाख ना देके गए तो मुझे कहना आप। हेलो प्रोड्यूसर विपुल जी। यस सर, क्या आर्टिस्टों की पेमेंट कर रहे हैं? अच्छा सिर्फ टैलेंटेड लोगों की? क्या सुगंधा के सीरियल की टीआरपी बढ़ गई है? अच्छा सुगंधा को निकाल रहे हो? अच्छा फीमेल सिंगर चाहिए आपको जो अपनी आवाज में गाती हो? एक मिनट, अब देखो मेरी कॉमेडी देखो, मुर्दों में जान डाल देती है और इन मर्दों की जान निकल जाती है। प्लीज FIR लिखाइए। जब कत्ल हुआ आप क्या कर रही थी? इसने मुर्दा होने के बावजूद जिंदा होके काम करने की कोशिश की। तुझे करना है करना है करना, जब देते हैं तब क्यों नहीं करती? दूसरा, जब कॉमेडी नहीं आती तो कॉमेडी सर्कल में आम लेने आई हो? मुझे आती है। तो 4 साल से मुझे बता रही है कि मुझे नहीं आती है, मैं नहीं मानता हूं। सर आज यहां पर कॉमेडी की जो निर्मम हत्या हुई है उसके लिए आप कितनी सजा देना चाहें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अर्चना ठाकुर के लोचे के बारे में क्या है आपने सोचा? राजीव बहुत मुश्किल था जो आपने स्टेज को 10 मिनट के लिए पूरा अकेले संभाला है, एंड आपने किया भी बहुत खूब। बट माई मार्क्स विल बी फॉर द होल एक्ट, बट व्हाट आई लाइक्ड वाज योर स्टैंड अप वेरी मच। Well, actually, मैं सुगंधा के बारे में बात करूंगा। Being a dead body, लेकिन जब भी आपको मौका मिला टू हैव योर मोमेंट्स इन द एक्ट, आपने उसका पूरा एडवांटेज उठाया। और कमिंग टू यू राजीव, आपने आपके एक्ट्स इंजॉय करने आपने शुरू कर दिया है। यू आर बिकमिंग इनटू अ फैबुलस स्टैंड अप कॉमेडियन एंड एन एक्टर। वाह वाह, तो अब मार्क्स भी दिखा दीजिए प्लीज। सहेल कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 9 points. For me also it's a 9. 9 points. हंसी के ऐसे ही कई अनोखे अंदाज हम लाते रहेंगे आपके पास, only on Kohinoor True Basmati presents Comedy Circus का नया दौर तबला तोड़। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.